हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। आप देख रहे हैं बायोलॉजी एड और आज के वीडियो में हम सीखेंगे इवोल्यूशन के बारे में। उसमें हम समझेंगे नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट के बारे में कि ये किस तरह से इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आई अश्योर यू कि इससे आपको ये सारे टर्म्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इवोल्यूशन का क्या मतलब है, इवोल्यूशन कैसे होता है। अब मान लीजिए कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करता है। अब इससे जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो अपने पेरेंट्स से एकदम सिमिलर कभी नहीं होंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने पेरेंट्स से एकदम सिमिलर नहीं है। हाँ, आप उनके जैसे हैं लेकिन एकदम एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। और वैसे ही आपके जो भाई या बहन है वो भी आपसे एकदम सिमिलर नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म कर रहा है तो जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगे उनमें कुछ वेरिएशंस होंगे और फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यही वेरिएशंस रिजल्ट करते हैं इवोल्यूशन में। अब ये तो बात हुई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर हम बात करें एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की, तो इनके ऑफस्प्रिंग जो प्रोड्यूस होते हैं वो एक दूसरे की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं, लेकिन यहाँ भी वेरिएशंस अराइज हो सकते हैं। कैसे? कभी कभी रिप्रोडक्शन के टाइम डीएनए कॉपीइंग में कुछ एरर्स हो जाते हैं और ड्यू टू दीज एरर्स इन डीएनए कॉपीइंग जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होंगी उनमें कुछ वेरिएशंस आएंगे और फिर यही वेरिएशंस अल्टीमेटली लीड करते हैं इवोल्यूशन में। तो इस बात से हम क्या समझते हैं? इससे हम ये समझते हैं कि इवोल्यूशन कैसे होता है, ड्यू टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। और देखिए, रिप्रोडक्शन तो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर इनबिल्ट होता है, यानी रिप्रोडक्शन इज एन इनबिल्ट टेंडेंसी। तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे कि इवोल्यूशन इज ड्यू टू एन इनबिल्ट टेंडेंसी टू वेरिएशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, बोथ बिकॉज ऑफ एरर्स इन डीएनए कॉपीइंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, अब हमने जब ये समझ लिया है तो अब हम एक एग्जाम्पल सुन लेते हैं। बात करते हैं 12 रेड कलर के बीटल्स की जो ग्रीन बुशेज में रहते हैं। अब एकदम वैसे ही जैसे हमने अभी डिस्कस किया, ये जो बीटल्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे हैं जिसकी वजह से वेरिएशंस जनरेट हो रहे हैं। अब मान लीजिए एक सिचुएशन में इस वेरिएशन की वजह से रेड कलर की जगह ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हो गया। तो पहली सिचुएशन क्या है कि एक कलर वेरिएशन अराइज हुआ ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जिसकी वजह से रेड की जगह एक ग्रीन कलर का बीटल प्रोड्यूस हुआ। और ध्यान से सुनिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो बीटल है ये अपना ग्रीन कलर अपनी प्रोजनी में पास कर सकता है, यानी कि जब ये ग्रीन बीटल रिप्रोड्यूस करेगा तो ये ग्रीन कलर अपनी ऑफस्प्रिंग में पास ऑन कर सकता है। और ऐसा होने की वजह से दो तरह के बीटल्स की पॉपुलेशन बन गई, एक तो रेड और दूसरे ग्रीन। अब कुछ क्रोज हैं जो इन बीटल्स को खाते हैं। अब आप मुझे बताइए, ग्रीन कलर की बुशेस में ऊपर से क्रोज को ग्रीन बीटल्स आराम से दिखेंगे या रेड? ऑब्वियसली रेड दिखेंगे। और उसकी वजह से क्रोज ने रेड बीटल्स को ज़्यादा खाया, ग्रीन उनको दिखे नहीं तो वो बच गए। अब ऐसा होता रहा तो धीरे धीरे क्या होगा कि रेड बीटल्स का नंबर ग्रीन बीटल्स के कंपैरिजन में बहुत कम हो जाएगा। यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि रेड बीटल्स का नंबर कितना कम हो गया और ग्रीन कितने बढ़ गए हैं। तो इसमें देखिए जो समझने की बात है वो ये कि स्टार्टिंग हुई एक वेरिएशन से, एक ग्रीन बीटल से, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, क्योंकि ये ग्रीन कलर के बीटल अपनी सराउंडिंग में ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो पाए, उससे इनको रेड बीटल्स के कंपैरिजन में एक सर्वाइवल एडवांटेज मिला। तो यहाँ जो ग्रीन बीटल्स का एवोल्यूशन हुआ उसका कारण है नेचुरल सेलेक्शन, यानी कि ये ग्रीन बीटल्स अपने सराउंडिंग नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए बेटर अडेप्टेड थे
इसलिए नेचर ने इनको सेलेक्ट किया कि हाँ तुम ज़्यादा बेटर हो, तुम इवॉल्व होके आगे बढ़ोगे। और क्योंकि रेड बीटल्स उतने अच्छे से अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के लिए अडेप्टेड नहीं थे, इसलिए वो नंबर में कम होते चले गए। अब इसी तरह से दूसरा केस ले लेते हैं। इस बार रेड बीटल्स में रिप्रोडक्शन के टाइम एक वेरिएशन आया, लेकिन इस बार ग्रीन की जगह ब्लू कलर के बीटल्स प्रोड्यूस हुए। अब देखिए, ना तो रेड बीटल्स ग्रीन बुशेस में छुप पाएंगे और ना ही ब्लू, तो यहाँ सर्वाइवल एडवांटेज दोनों ही पे नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि एक हाथी आता है और वो उन बुशेस के पास से होके गुजर रहा है और गलती से इस हाथी का पैर बुशेस पे पड़ गया, और बाय चांस ऐसा हुआ कि जो बीटल्स उसके पैर पड़ने से मरे वो मोस्टली रेड कलर के थे, जिसकी वजह से ब्लू बीटल्स का नंबर बढ़ा और रेड बीटल्स खत्म हो गए। तो देखिए इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में शुरुआत हुई एक ब्लू बीटल से, जिसके पास रेड बीटल के कंपैरिजन में कोई सर्वाइवल एडवांटेज नहीं था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से इस बीटल पॉपुलेशन से रेड बीटल एकदम खत्म हो गए और ब्लू बीटल्स ही आगे बढ़े। इस तरह से जो इवोल्यूशन होता है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इन दो एग्जाम्पल से हमने क्या समझा कि इवोल्यूशन किन दो वजह से होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा जेनेटिक ड्रिफ्ट। और नेचुरल सिलेक्शन और जेनेटिक ड्रिफ्ट में क्या डिफरेंस है कि नेचुरल सिलेक्शन के केस में सर्वाइवल एडवांटेज की वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, और जेनेटिक ड्रिफ्ट में चांस, एक सडन एक्सीडेंट की वजह से। एंड दैट इज इट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक्वायर्ड और इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में। और जाने से पहले आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल, बायोलॉजी एड कम्युनिटी हैज़ रीच्ड मोर देन 100 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू आप सबको, आपका किया हर एक कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है बेटर वीडियोज़ बनाने के लिए। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट ऑन दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। टिल देन स्टे क्यूरियस।